हेलो, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? ठीक, मैं हूँ सचिन रावल। आप मेरे साथ देख रहे हैं, हम सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। हटके प्रोग्राम की सीरीज चालू है। हम 3 प्रोग्राम कर चुके हैं और आज चौथे नंबर पर है। पहले प्रोग्राम हम लोग ने जो प्रीवियस प्रोग्राम किया वो था आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। बहुत ही अलग प्रोग्राम था, बहुत ही तकलीफ़ वाला था, जिसमें 2-3 लाइन में सॉल्व भी हो गया था। ओके, तो अब हम क्या सीखने वाले हैं? तो ये प्रोग्राम मेरा थोड़ा सा फेवरेट है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वाला प्रोग्राम में मेरे पास मोस्ट ऑफ बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। लोगों को इसका मीनिंग ही नहीं पता होता है। सुना ज़रूर है बट मीनिंग किसी को नहीं पता है। मतलब मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके सामने एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है जब ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि सर बेटा ये वाला प्रोग्राम करना, तो ये वाला प्रोग्राम इसलिए मेरा थोड़ा फेवरेट है। तो हम करने वाले हैं फिबोनाकी सीरीज। ओके, अब ये फिबोनाकी सीरीज समझ में थोड़ा सा नहीं आया। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है क्या है क्या है क्या है। मेरे जो नए स्टूडेंट्स हैं वो पूछते रहते हैं सर फिबोनाकी सीरीज क्या होता है। तो फिबोनाकी सीरीज ये होता है कि फिबोनाकी सीरीज में, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि हम जो भी नंबर डालेंगे, अब मान लो कि मैंने 5 नंबर डाला। ओके, एंटर योर नंबर, जब पूछेगा प्रोग्राम मैंने डाला 5, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? आंसर मेरे पास ऐसे आएगा कि 5 डाला है तो 1 प्लस 2, मतलब कि 5 के पहले नंबर 1 2 3 4 5 होते हैं, ये तो सबको पता ही है। ओके, तो 1 प्लस 2 क्या होता है? 3। फिर 2 प्लस 3 क्या होता है? 5। फिर 3 प्लस 4 क्या होता है? 7। और 4 प्लस 5 क्या होता है? 9। तो 3 5 7 9 ऐसे मुझे सीरीज मिलेगी। इसको बोलते हैं फिबोनाकी सीरीज। ओके, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। फिर एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, मैंने अगर नंबर डाला 5, तो 5 से पहले क्या है? 1 2 3 4 5। तो वो क्या करेगा? सिर्फ पहले दो 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 नंबर को ऐड करता जाएगा। 1 और 2 को ऐड करेगा, मिलेगा उसे 3। फिर 2 और 3 को ऐड करेगा, मिलेगा उसे 5। फिर 3 और 4 को ऐड करेगा, मिलेगा उसे 7। फिर 4 और 5 को ऐड करेगा, मिलेगा उसे 9। फिर अगर मैं नंबर बड़ा करूंगा तो 5 और 6 उसको करेगा 11, 6 और 7 उसको करेगा 13। तो वैसे उसको नंबर मिलते जाएंगे, बट इसका जो रिजल्ट है ये ऐसे आएगा 3 5 7 9। तो इसी की वजह से लोग हो जाते हैं कंफ्यूज कि यार ऐसा नंबर कैसे आया। ये होता है फिबोनाकी सीरीज। तो अभी इसका प्रोग्राम हम करते हैं, तो इसके प्रोग्राम के ऊपर चले जाते हैं। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए कि ये फिबोनाकी सीरीज का प्रोग्राम होता कैसे है, तो फिबोनाकी सीरीज के लिए हम यहाँ से फिबोनाकी सीरीज में, ये रहा मेरा फिबोनाकी सीरीज। ओके, तो यहाँ से मैं फिबोनाकी सीरीज को पहले रन कर देता हूँ। ओके, तो रन करके यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रोग्राम रन, यहाँ मैंने 5 लिख दिया। ओके, तो 1 2 3 5 8। ओके, देखो यहाँ पे आ गया 1, फिर 2, फिर 1 और 2 कितना हो गया? 3। फिर 2 और 3 कितना हो गया? 5। और 3 और 5 कितना हो गया? 8 आ गया। ओके, तो ये मैंने जो काउंट किया और प्रोग्राम में जो काउंट किया, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम है। बट हमने जो काउंट किया है वो किस हिसाब से किया है कि 1 से काउंट किया, और यहाँ पे हम प्रोग्राम में क्या करते हैं? 0 लिखते हैं सब में। तो इसी की वजह से यहाँ पे ऐसे है। तो हम इसको पहले बड़ी स्क्रीन कर देते हैं, तो इसके बाद हम प्रोग्राम देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम किया कैसे है। तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है फिबोनाकी सीरीज को काउंट करना। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या लिया? एंटर नंबर, उसके लिए एन ले लिया है। अब आई लेंगे हम लूप के लिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट अब सबको पता ही चल गया है। अब मुझे सम करवाना है, मतलब कि मुझे ऐड भी करवाना है एक एक नंबर। तो मैंने क्या लिया? ए इक्वल टू 0। अब 0 क्यों लिया ये पूछना मत, वरना बहुत मार पड़ेगी, क्योंकि सबको पता ही है जब हम सम करते हैं तो हम 0 लेते हैं। और बी इक्वल टू 1 क्यों लिया अभी पूछना मत, क्योंकि हम मल्टीप्ली करने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगा नहीं, बट हम बी इक्वल टू 1 ले रहे हैं, उसके पीछे भी एक रीजन है। ओके, तो पहले देख लो क्यों कर रहे हैं। तो अब देखो, यहाँ मैंने एंटर 1 किया है, नंबर कर दिया है, और आई घुमा दिया है यहाँ पे कि पहले एन जितने नंबर तक घूमने वाला है, मतलब कि मैंने डाला 5 तो 5 नंबर तक घूमेगा वैसे। अब क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने बी इक्वल टू 1 लिया, उसका हमने एन यूज़ किया है। बी इक्वल टू बी प्लस 1, मतलब 1 जो लिया है प्लस ए, मतलब कि जो मेरा पहला नंबर होगा वो, मतलब कि अगर मैं पहला नंबर है 1 तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1, मतलब कि हो जाएगा 2। ओके, फिर यहाँ पे मैंने क्या करवाया, उसको प्रिंट करवा दिया कि जो पहला नंबर होगा वो प्रिंट हो जाएगा सीधा। तो अब यहाँ पे बी है 1 और ए है 0, तो 1 प्लस 0 कितना हो गया? 1। तो पहला तो 1 से 1 आ ही जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, ए इक्वल टू बी माइनस ए, तो जो नंबर है उसमें से एक नंबर मैंने निकाल दिया है। अब बी की वैल्यू क्या हो गई है अभी के लिए? तो 1 है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 0। तो 1 माइनस 0 1, वही का वही रहेगा। अब जो चेंज होगा वो यहाँ पे नेक्स्ट में होगा। अब जब ये लूप घूमेगी तो ये सेकेंड 2 हो जाएगा। अब 2
में क्या होगा, यहाँ पे b की वैल्यू तो यहाँ पे 1 ही है, अब a की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी तो 1 प्लस 1 यहाँ पे 2 होगा, और 2 प्रिंट होने के बाद यहाँ पे क्या चेंज होगा, 2 माइनस 1 तो 1 रह जाएगा यहाँ पे। मतलब कि हर बार जब लूप घूमेगी नंबर तक तो वो एक नंबर क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे एक नंबर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये माइनस से क्या होगा कि यहाँ पे जो लूप है वो बैलेंस में रहेगी, मतलब कि लूप घूमती रहेगी उसके नंबर तक, और यहाँ पे प्लस से क्या हो जाएगा, मुझे नंबर मिलता रहेगा, मतलब कि 1 प्लस 2 तो 2, मतलब कि 3 आ जाएगा, फिर बाद में 2 प्लस 3 तो 5 आ जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 2, तो यहाँ पे पहले 1 हो गया, अब याद करो प्रोग्राम, तो मैंने b लिखा था तो इसकी वजह से 1 आ गया, फिर माइनस किया था इसकी वजह से अब सेकंड नंबर पे 2 आ गया, तो 1 प्लस 1 2 प्रिंट हो गया। अब फिर मैंने माइनस किया था 2 की जगह, फिर 1 हो जाएगा, फिर वापस जाएगा तो 2, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर वो माइनस हो जाएगा तो वो हो जाएगा 2, अब 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, फिर 5, फिर वो माइनस हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, फिर से वो 2, अब वापस से वो प्लस होगा तो वो वापस से क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा, 5, अब वापस से एक नंबर माइनस हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह ये सर्कल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, नंबर उसके जितने टोटल आएंगे तब तो 1 2 3 4 5 पांच नंबर यहाँ पे है। ओके, अब इसको हम थोड़ा बड़ा नंबर लिखते हैं जिससे हमें फिबोना की सीरीज बड़ी मिले, तो मैं लिखता हूँ 9, तो देखो 1 2 3 5 8 13, अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो, 5 प्लस 8 13 होता है, 13 प्लस 8 21 होता है, 21 प्लस 13 कितना होता है, 34, 34 प्लस 21 होता है 55। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं, बट आई थिंक इतने छोटे छोटे नंबर के लिए कैलकुलेटर का यूज़ नहीं होता। इन शॉर्ट फिबोनाची सीरीज में इसी तरह हम पीछे नंबर से कैलकुलेट हो जाता है, मतलब कि ऐड हो जाते हैं नंबर। तो बहुत ही सिंपल और एकदम ईजी ट्रिक है, मेरी वाली ट्रिक है ये, तो इसी ट्रिक से तुम लोग प्रोग्राम कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा फिबोनाची सीरीज मतलब कि हटके प्रोग्राम नंबर 4 ख़त्म होता है, और अभी नेक्स्ट प्रोग्राम आएगा हटके प्रोग्राम नंबर 5। तो तब तक के लिए देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।